नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रेमनगर थाना के अंतर्गत जांजरा इलाके में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये रिसाव या खाली पड़े हुए प्लॉट के अंदर से हुआ है, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। भारतीय शेयर बाजार आज शानदार तेजी के साथ खुला है। कल शाम को बाजार की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट की तेजी पर यानी गैप अप ओपनिंग हुई है। शेयर बाजार में ओपनिंग के समय बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2200 शेयरों की रही और गिरने वाले शेयरों की संख्या केवल 200 रही है। अयोध्या में इसी महीने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह का, लेकिन इसी बीच खालिस्तानी आतंकी गुरुपवन सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। पन्नू ने मुसलमानों से इस समारोह का विरोध करने को कहा है। सीट शेयरिंग पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि आज समन्वय समिति की बैठक नहीं है। आज महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की तीन प्रमुख पार्टियां हैं और आज तीनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्कूल बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में ड्राइवर समेत 6 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा धमतरी के सिहावा रोड पर हुआ। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में पूछा गया है कि सांसद सदस्यता खत्म हुए 1 महीना पूरा हो गया है, इसके बाद भी सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। सोमवार देर रात कोहरा अधिक रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। हालांकि मंगलवार सुबह कोहरा तेज हवा के कारण छट गया है, लेकिन हवा तेज होने के कारण ठंड का असर काफी है। मंगलवार का तापमान न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री दर्ज किया गया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन जल्द ही नए प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी। रविवार यानी 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में उन्होंने लगातार 4थी बार जीत दर्ज की है। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और बिल्किस के दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के दोषियों को फिर से सलाखों के पीछे भेजने को कहा। शीर्ष अदालत से 11 दोषियों को फिर से सजा मिलने के बाद बिल्किस की खुशी के आंसू छलक गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश रैली के दौरान कथित नफरत भरे भाषणों के लिए भाजपा विधायक नितेश रानी और तेलंगाना से पार्टी विधायक टी राजा सिंह एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने सोमवार को शिवसेना से अपील की कि अगर वह महाविकास आघाड़ी के सदस्यों के साथ लोकसभा चुनाव की सीट के लिए बंटवारे को अंतिम रूप देने में नाकाम रहती है तो वह उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए प्रकाश आंबेडकर नीत वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस पर फैसला सुना सकते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ग्रैंड इवेंट होने वाला है। इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए बॉलीवुड, साउथ और टीवी जगत के कई बड़े सितारों को न्योता भेजा गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। 8 जनवरी को उनके पनवेल फार्म हाउस में 2 लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सलमान उस समय वहां मौजूद नहीं थे। सालार और डंकी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। दोनों ही फिल्मों की स्टोरी लाइन अलग है। जहां सालार एक्शन पैक मूवी है तो वही डंकी फैमिली कॉमेडी ड्रामा है। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन कमाई के मामले में सालार ने डंकी को मात दे दी है। कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए इंडस्ट्री में मशहूर है। हाल ही में एक फीमेल फैन के पोस्ट पर कंगना ने रिप्लाई देते हुए लिखा है कि वह अपने करियर में बदलाव लाने के लिए सोच रही है।
अगले कुछ सालों में कुछ अच्छा काम करने की सोच रही हैं। अब इस पर एक्ट्रेस के फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि वो राजनीति में कदम रखने वाली है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में संजू सैमसन को मौका मिला है। रोहित और विराट की T20 इंटरनेशनल वापसी के साथ संजू सैमसन की यह एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।